व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए काफी शानदार टॉपिक हमारा चल रहा है, नाम है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का हम लोग फर्स्ट पोर्शन कवर कर चुके हैं जो कि था पंचायती राज, दो लेक्चर में मैंने कवर किया इसको। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा चलने वाला है यहाँ पर आज म्यूनसिपैलिटीज। जिस तरीके से हम लोगों ने गांव के लेवल पर पंचायत को समझा, कहीं हम लोगों ने टू टायर पंचायत देखी, थ्री टायर पंचायत देखी, और यहां तक कि फोर टायर पंचायत भी हम लोगों को देखने को मिली। किस तरीके से इसका गठन हुआ वो सारा हम लोगों ने पूरा डिटेल में इसको समझा। इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज भी बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, और पूरा शानदार तरीके से आप लोग अगर ढंग से लेक्चर को सुनेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पर यह बात माइंड में रख लेनी है कि रटना नहीं है, ठीक है। समझना है कि क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ना कि आप लोग रटने बैठ जाते हो, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना है कि अगर आप होंगे उस लेवल पे तो आप क्या करेंगे। अपने आप को सिस्टम में डाल देना है आपको, और उसके बाद में आप लोगों को एनालाइज करना है चारों डायरेक्शन में कि क्या क्या चल रहा है इर्द गिर्द, और आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस सिस्टम की यहाँ पर जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कोरिलेट करके चलेंगे तो आप लोग इसको आसानी से समझ पाएंगे। म्यूनसिपैलिटीज को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अर्बन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अर्बन एरिया, एक तो होता है गांव और एक होता है हमारे शहर। तो जो शहर वाला एरिया होता है उसको अर्बन एरिया बोलते हैं, और उस एरिया में जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो उस पर पूरा फोकस यहां पर करने वाला हूं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और किस किस तरीके से वर्क करती है, सब कुछ टोटल यहां पर हम लोग देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टिविटी भी बना पाएंगे आप लोग म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के बीच में इस पिक्चर को देखने के बाद में। हम लोगों ने देखा था सेंटर पे होती है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, फिर यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है, हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है गांव वाले एरिया की, रूरल एरिया की, इसके बाद में दूसरी साइड में आप लोगों को अर्बन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप लोगों को तीन पार्ट में इसका डिवीजन देखने को मिलता है, एक गांव में होता है, दूसरा ब्लॉक लेवल पर होता है, और तीसरा होता है यहाँ पर जिले के लेवल पर, जिया की डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। इसी तरीके से तीन तीन लेवल पर यहाँ पर आप लोगों को डिवीजन दिखेगा। इन तीन लेवल को हम लोग अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं पूरा डिटेल के साथ में। तो ये पूरा मिला के हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेके ग्राउंड लेवल से ऊपर तक का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा दिखता है हमारी कंट्री का, अगर आप लोग एक ओवरव्यू में इसको देखेंगे तो। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट भी डिवाइड करके थोड़ा दिखा दिया है किस किस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। गवर्नमेंट जब रहती है सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता है, वहां पर यूनियन लिस्ट के तहत काम किया जाता है, ठीक है। क्या क्या वहां पर यूनियन लिस्ट में रहता है, जिस तरीके से सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्री, डिफेंस, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन, ये सब आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर देखने को मिलता है। जब स्टेट की बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनानी है। जिस तरीके से पद्मावत मूवी आप लोगों ने देखा, जब से वो रिलीज होने की बात चल रही है तब से कंडीशन काफी खराब थी। लॉ एंड ऑर्डर रखवाने की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, तो वो बात आप लोग कई बार न्यूज में भी सुनते रहते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करके चलना है, लैंड और पॉलिसीज और पुलिस वगैरह भी यहाँ पर हर एक स्टेट के अलग पुलिस देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, तमिलनाडु पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया। तो इस तरीके से पुलिस जो होती है वो स्टेट के अंडर में रहती है, इसीलिए लैंड ऑर्डर की जब बात आती है तो स्टेट की जिम्मेदारी उसको मनाया जाता है। और एक बात आप लोगों को और देखने को मिलती है, जिस तरीके से दिल्ली के बारे में अगर आप लोग जाने तो दिल्ली में आप लोगों को पता होगा जो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में, इसलिए जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कई बार बोलते रहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी पावर नहीं दे रखी है सेंटर ने, तो वो बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर जब आती है अर्बन लोकल बॉडीज, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है किस तरीके से अर्बन प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। पार्क वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है, रोड वगैरह यहाँ पर हो गई, इसी तरीके से वाटर सप्लाई वगैरह हो गई, यहाँ पर जो डस्टबिन वगैरह है किस तरीके से यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी का वेस्ट होता है वो किस तरीके से यहाँ से रिसाइकिल करना है और किस तरीके से निकालना है। पब्लिक हेल्थ हो गई, फायर सर्विस हो गई, आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता होगा कि शहर में आग लगी रहती है, किसी ऑफिस में आग लगी, कभी किसी बिल्डिंग में आग लगी, तो वो सब भी कंट्रोल करना है। तो ये सारा काम आप लोगों को यहाँ पर लोकल लेवल पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब भी आप लोगों को डिफरेंस थोड़ा माइंड में याद रखना हो तो ये देख लिया करते हैं कि कौन कौन सा काम किस किस लेवल पर किया जाता है, तो फिर आप लोग इजिली उनमें डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमने म्यूनसिपैलिटीज डिस्कस किया था वहां पर आप लोगों को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिला था, यहाँ पर आप लोगों को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, ये भी 1992 में ही आया था, जिस तरीके से वो भी आप लोगों को 1992 में देखने को मिला था। एट द सेंट्रल लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ पर बोला जाएगा कि डील करना है थ्री मिनिस्ट्री के साथ में, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को जब कंट्रोल करने की बात आती है सेंट्रल लेवल पर, तीन मिनिस्ट्री यहाँ पर पिक्चर में आती है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट की गई 1985 में, ओके।
तो ये आप लोगों को देखने को मिला। सेकंड आती है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि आप लोगों को देखने को मिला है कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कैंटोनमेंट वाला मतलब कैंट वाला एरिया नॉर्मली आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर यार कैंट वाला एरिया है मेरठ, ये आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली आसपास वाले एरिया में जहाँ पे आर्मी रहती है वहां पर कैंट वाला एरिया जहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। मथुरा में जाएंगे वहां भी कैंट वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब किसी भी एरिया में जहां पर पुलिस रह, जहां पर आर्मी हमारी रहती है तो कैंट वाला एरिया रहता है। कई जगह तो कैंट स्टेशन रेलवे का नाम भी रख, रेलवे जो स्टेशन रहता है उसका नाम भी रख देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है, मान लीजिए यूनियन टेरिटरी में कौन सा म्यूनसिपैलिटी वाला एरिया है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी होंगे ना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी मैंने आप लोगों को बताया था कौन कंट्रोल करता है, ये करता है सेंट्रल कंट्रोल, तो सेंटर कंट्रोल करता है तो सेंटर के हिसाब से यहां पर काम चलेगा। जब सेंटर के हिसाब से यहां पर काम चलेगा तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए फिर कि यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके कंट्रोल में ये कंट्रीज के कंट्रोल में ये यूनियन टेरिटरी रहेंगी, ठीक है, तो यहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो सारी जिम्मेवारी इनकी रहेगी। तो तीन तरीके से आप लोगों इसको समझ के चलना है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी और होम अफेयर मिनिस्ट्री होगी। तो तीनों मिनिस्ट्री के नाम याद जरूर रखिएगा, पूछे जा चुके हैं पास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए जिस तरीके से हर एक एरिया में जब आप लोगों को देखने को मिलता है हमारा, हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश रूल से होकर गुजरती है, तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट किए तो आज की डेट में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। और जो आज की डेट में जो सिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप है, चाहे पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड में यहाँ पर ब्रिटिश रूल रहता है, चाहे फिर रेलवे की बात कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज में भी ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज से आप लोगों को देखने को मिलेगा, फर्स्ट बात करते हैं 1687 से 88 तक। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो सेटअप किया गया था म्यूनसिपैलिटी, ये फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया था कहाँ पे, मद्रास में, याद रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड जो यहाँ पर सेटअप किया था बॉम्बे में, बॉम्बे में कब किया था, 1726, ठीक है ना, तो 1726 और 1687 आप लोग याद रख सकते हैं, लगभग कुछ डिफरेंस पे यहाँ पर आप लोगों को दोनों को देखने को मिल रहे हैं। पर मद्रास जो कि आज के डेट में कई सारे एरिया में डिवाइड हो चुका है, पहले मद्रास बोला करते थे उसके, और यहाँ पर आप लोगों को मुंबई और कलकत्ता, ठीक है, तो तीनों आप लोग याद रख सकते हैं जो फेमस सिटी हुआ करती थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो मद्रास में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला 88 और यहाँ पर 1726 में यहाँ पर देखने को मिलता है बॉम्बे और कलकत्ता, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में थोड़ा आगे चलकर यहाँ पर लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन लेके आए 1870 में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला डिसेंट्रलाइज कर दिया गया थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब ग्राउंड लेवल पर भी थोड़ी फाइनेंशियल सिस्टम पहुंचा दिया गया जिससे कि लोकल एरिया में डेवलपमेंट कुछ किया जा सके। और कुछ याद रखिए या ना रखिए ये जरूर याद रखना है आप लोगों को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो पितामह है वो कहा जाता है यहाँ पर लॉर्ड रिपन को, आप इसको याद रख सकते हैं। जिस तरीके से देखते हैं किसी नई चीज का उद्घाटन होता है वहां पर जाकर रिबन काटते हैं, ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा रिपन ने रिबन काटा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 1882 में, तब से लेके यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बात चलती हुई आ रही है, इनको फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है आज की डेट में अगर मॉडर्न इंडिया में हम लोग बात करें तो। हालांकि अगर आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ पर जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर तो नीचे डिवाइड किया करते थे, पर लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन चली है हाँ कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए वो स्टार्ट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और क्योंकि हम कुछ यहाँ पर सब कुछ इनके हिसाब से फॉलो करके चल रहे हैं, पार्लियामेंट वगैरह बजट वगैरह ये सारी चीजें, तो आप लोग देख सकते हैं इसीलिए यहाँ पर इसी को हम लोग यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पितामह मानते हैं, ठीक है ना, तो फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन माना जाता है। आगे चल के फिर यहाँ पर एक और कमीशन सेटअप किया गया रॉयल कमीशन, फिर इसने भी कई सारी रिकमेंडेशन दी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर चेयरमैन थे यहाँ पर होब हाउस, ओके, हिस्ट्री में ये तो आप लोगों ने काफी फेमस एक्ट है तो पढ़ाई होगा, नाम आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पर आप लोगों को जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डायरची के बारे में पूछा जाता है, तो डायरचिकल स्कीम यहाँ पर देखने को मिलती थी। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट यहाँ पर डाले गए थे, दो तरीके के सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते थे, तो लोकल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिए गए थे जिसके बेस पर उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है ना, और इंडियन मिनिस्टर यहाँ पर हुआ करते थे। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं हेल्थ वगैरह हो गया, मतलब जो भी यहाँ पर इंडियन से रिलेटेड मैटर थे वो यहाँ पर इनके अंडर में डाले गए थे, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सेल्फ गवर्नमेंट को फोकस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, मतलब एक तरीके से पर्पज तो उनका ये था कि फालतू के सब्जेक्ट हम अपने पास क्यों रखें, हम क्यों यहाँ पर इनका बोझ उठाएं, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फल फूल रही थी अगर बैकग्राउंड में आप लोग देखकर चले तो। 1924 में आप लोगों को देखने को मिला कैंटोनमेंट एक्ट, ठीक है ना, जिसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को कई सारी नई चीज देखने को मिली। सेंट्रल लेजिस्लेचर भी आप लोगों को यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कैंटोन एक्ट, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला जो सबसे शानदार एक्ट इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है, जिसके बेस पर काफी हद तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी टिका हुआ है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और बाकी ये काफी अच्छा पोर्शन मैं इसका स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। जिस किसी ने नहीं देखा है स्टार्टिंग के लेक्चर देखे, जब मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट बताया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग में, तो 3-4 लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जस्ट स्टार्टिंग में, तब मैंने वहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोविंशियल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब प्रोविंसेस बोला जाता था स्टेट को, तो स्टेट के कुछ सब्जेक्ट डाल दिए गए जिससे कि स्टेट लेवल पर स्टेट काम करेगा। जिस तरीके से आप लोग आज के डेट में देखते हैं ना सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो सारे यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि जो नींव निकल के आई वो यहां से निकल के आई इसकी सबकी। ओके, तो ये भी आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा। तो 2-4 बातें जरूर याद रखिएगा, खासकर एक तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। और जो स्टार्टिंग में यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 म्यूनसिपैलिटीज स्टार्टिंग की आप लोग याद रख सकते हैं, और इसके अलावा फिर ये वाला पोर्शन नीचे वाला, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप लोग थोड़ा सा समझ के चलिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलिएगा, क्योंकि देखिए ब्रिटिश जब आए थे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आप लोगों को मान लीजिए किसी ने दे दिया मध्य प्रदेश, ठीक है ना, किसी ने दे दिया उत्तर प्रदेश, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा मैप उठा के देखेंगे, जब ब्रिटिश आए थे तो वो आके किनारों पर बसना स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, तो क्योंकि नेवल पावर थे तो किनारों अपनी नाव में आया करते थे, तो आकर उन्होंने किनारों पे बसना स्टार्ट किया था। तो अगर मान लीजिए किसी आपको मध्य प्रदेश बोल रहा है, कोई राजस्थान बोल रहा है ऑप्शन में, तो वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरीके से कॉमन सेंस लगाकर भी आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर को, आप लोग बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है अगर इंटरनल कोई पार्ट दे रखा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखिएगा। आइए इसके भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानते हैं हम लोग। जिस तरीके से हम लोगों ने पंचायत के जाने थे, पंचायत में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से राजीव गांधी जी के बारे में, और इसी तरीके से हम लोगों ने वीपी सिंह जी के बारे में और नरसिम्हा राव जी के बारे में हम लोगों ने देखा था। 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने पंचायत के बारे में भी ट्राई किया था, और इसी तरीके से इन्होंने म्यूनसिपैलिटीज के लिए भी ट्राई किया था। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट दोनों जगह लेकर आना था, गांव में भी और शहरों में भी। तो इस तरीके से राजीव गांधी जी वहां पर भी फेल हो गए थे इसको करने में, आप लोगों को देखा था उस टाइम पर हम लोगों ने जाना था। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे, नगर पालिका इन्होंने नाम दिया था, ठीक है, पर लेकिन ये इसको पास नहीं करा पाए थे। ओके, तो यहां पर ये काम खत्म हो गया था। सेकेंड टाइम हम लोगों ने देखा था वीपी सिंह के बारे में, इनकी तो नैया पार लगने से पहले ही गवर्नमेंट निकल पड़ी थी, ठीक है, तो इसलिए यहां पर बिल भी निकल पड़ा। इसके बाद में फिर जो आए थे यहां पर लास्ट में पीवी नरसिम्हा राव जी, फिर ये कामयाब हो पाए थे जब ये लेकर आए थे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और फोर्स में आ गया 1 जून 1993 से म्यूनसिपैलिटीज फोर्स में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने पंचायत वाला लेक्चर देखा होगा तो आप लोग इसको आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं अब यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था इसके ऊपर थोड़ा फोकस डाल लेते हैं। थोड़ा नजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 9A इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये पार्ट देखने को मिलेगा जिसमें जिसके तहत इसको ऐड किया गया, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला 243P से ये 243ZG, इससे पहले का जो पोर्शन था हम लोग कवर कर चुके हैं किसमें, पंचायत में, पंचायत में हम लोगों ने देखा था वो यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिला था, इस तक यहाँ पर खत्म हुआ था वो, और इसके आगे फिर यहाँ पर जो चल रहा है अब ये यहाँ से आगे म्यूनसिपैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ अगर किसी भी आर्टिकल के आगे ABCD कैपिटल में आप लोगों को दिखा मिले तो इसका मतलब अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 12th शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया इसके साथ में, और जिस तरीके से वहां पर आप लोगों ने म्यूनसिपैलिटी में देखा 29 फंक्शन वहां थे, आइटम थे वहां पर जिनके तहत काम किया जा रहा था पंचायत के द्वारा, इसी तरीके से आप लोगों को म्यूनसिपैलिटी में भी देखने को मिलेगा यहाँ पर 18 फंक्शनल आइटम है जिसके तहत यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी काम करती है, ठीक है, तो इनके अलग अलग एरिया जिसके तहत ये दोनों काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर लगा दिया गया कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इस प्रोविजन के तहत काम करना है, और इस एक्ट के तहत काम कर आप लोगों को अलग अलग एरिया में म्यूनसिपैलिटी क्रिएट करनी है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है यहाँ पर जो लोकल की अर्बन गवर्नमेंट होती है। देखिए वही बात आती है निकल के, जिस तरीके से गांधी जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम लोगों ने पंचायत में पढ़ा था कि ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोग किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, अगर हमारे लोकल एरिया स्ट्रेंथ हो जाएंगे, लोकल एरिया को अच्छे स्ट्रेंथन मिल जाएगी, तो तभी जाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को उस टाइम पर उदाहरण भी दिया था कि हमारी बॉडी में जिस तरीके से सेल होती है, या फिर आप लोग कोई मकान बनाते हैं तो उसमें जो ईंटें होती हैं वो यूज करते हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो मकान काफी लंबे समय तक खड़ा रहेगा, अगर हमारी बॉडी स्वस्थ है तो हम अगर स्वस्थ है हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही है तो हमारी बॉडी ढंग से चलती रहेगी, पर लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है इसमें, अगर एक जो छोटी सी यूनिट होती है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर पूरी स्ट्रक्चर बहुत जल्दी गिरने वाली है। तो इसी तरीके से अगर लोकल एरिया लोकल यूनिट इफेक्टिवली वर्क कर रही है, अगर वहां पर उसको पावर दे रखी है, आराम से वो चीजें कर पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, तो चीजें ढंग से चलती रहेंगी, वरना फिर आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को तीन तरीके की म्यूनसिपैलिटी देखने को मिलेगी हर एक स्टेट में, ये याद रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा जरूर, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तीनों तरीकों का आप लोग समझ सकते हैं। पहला होगा नगर पंचायत। आखिर पंचायत नाम क्यों दिया है? पंचायत नाम इसलिए दिया है, मान लीजिए दो गांव है, ठीक है, एक यहां पर सिटी है, ओके। तो यहां पर अगर देखिए ये वाला एरिया, मान लीजिए ये वाला गांव है, एक तो यहां पर ये वाला गांव हो गया, इसके बीच में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकली एरिया रहेगा यहां पर नॉर्मली। अगर ये गांव है और इस गांव से ये सिटी है, इस सिटी के बीच में आप लोगों को एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा जोन देखने को मिलेगा जहां पर कुछ एरिया आप लोगों को लोकल और कुछ एरिया आप लोगों को अर्बन देखने को मिलेगा। तो उसके बीच का जो ट्रांजिशनल फेज होता है वहां पर आप लोगों को अर्बन नगर या आप लोग बोल सकते हैं यहां पर आप लोगों को नगर पंचायत देखने को मिलेगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोकल से अर्बन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को जो दोनों की कुछ पॉपुलेशन मिक्स देखने को मिलेगा वहां पर, कुछ अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी वहां पर आप लोगों को, हालांकि पूरा डेवलप नहीं मिलेगा, मतलब सेमी डेवलप आप इसको बोल सकते हैं कि कुछ गांव की फैसिलिटी वहां पर देखने को मिलेगी, कुछ शहरों की देखने को मिलेगी। तो वो जो ट्रांजिशनल एरिया है, उस ट्रांजिशनल एरिया में आप लोगों को नगर पंचायत देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल की। म्यूनसिपल काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी स्मॉलर अर्बन एरिया, जो छोटे वाला अर्बन एरिया है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, जो छोटा अर्बन एरिया है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे आप लोग तहसील वगैरह देख लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को म्यूनसिपल काउंसिल देखने को मिलेगी। अगर लार्ज अर्बन एरिया है, जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, अच्छा खासा बड़ा एरिया अगर होता है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग बड़ी बड़ी सिटीज, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब में आप लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इस तरीके से यहां पर वर्क चल रहा है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है और इसको माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है आप लोगों को। बात कर लेते हैं यहां पर कंपोजिशन की। कंपोजिशन किस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, उस पर थोड़ा फोकस डाल लेते हैं। तो यहां पर ये भी जनता जनार्दन के द्वारा चुने जाएंगे, जिस तरीके से आप लोगों को पंचायत देखने को मिलती, पंचायत में भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिला था, हम लोगों ने जाना था नीचे लेवल की, जो बिल्कुल वहां पर हर एक इंसान की वोट, जिनको 18 साल से ज्यादा उम्र की हो गए उनको वोट डालने का राइट दिया जाता था, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी थी। तो वहां पर हम लोगों ने देखने को मिला था ग्राम सभा नाम की एक चीज, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल अगर सेंट्रल लेवल पर देखें कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है, थीके? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर वार्ड्स बोला जाता है, आप लोग इनको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी जहां पर पर्सन को चुना जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव लोग यहाँ से निकल कर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव जो जिनका एक्सपीरियंस है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर डायरेक्ट भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन इनको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट मेंबर एक्सपीरियंस के बेस पर यहां पर जा रहा है। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी की बात की जा रही है, या इसके अलावा अगर अदर मेंबर है कोई वार्ड कमेटी का, ठीक है, तो यह भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वार्ड कमेटी की। वार्ड कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, या तो 3 लाख यहां पर पॉपुलेशन है या फिर 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो तब आप लोगों को यहां पर वार्ड कमेटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, वार्ड कमेटी के बारे में, जिस तरीके से यहां पर एक या दो वार्ड कमेटी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है नॉर्मली अगर देखा जाए, ये डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन उस एरिया में कितनी है, ओके। इस तरीके से जिस तरीके से रिजर्वेशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिला था, यहां भी आप लोगों को रिजर्वेशन देखने को मिलेगा एससी एसटी का, और इंक्लूडिंग वुमेन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबका पार्टिसिपेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की जाए म्यूनसिपैलिटीज की, तो यहाँ पर ड्यूरेशन तो 5 साल है, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पहले यहाँ पर किसी रीजन की वजह से डिसॉल्व उसको कर दिया जाता है, 5 साल तो आप लोगों को याद रखना ही है। इसके अलावा अगर इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो आप लोगों को नई कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्शन करके फिर से इसको स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व कर दे तो अपनी मन मर्जी से चला रखे हैं यहाँ पर चीजें, ऐसा नहीं चलना है। तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, इस तरीके से आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये सारे प्रोविजन आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने पंचायत में कवर किए थे, ऐसे ही एक एक करके यहाँ पर भी देख लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर की जाती है, किसी मेंबर को यहाँ पर डिस्क्वालिफाई किया जाता है अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है डिस्क्वालिफाई करने का। तो इलेक्शन की बात की जाती है यहाँ पर, जब इलेक्शन कमीशन रहता है यहाँ पर, तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन वर्क करेगा यहाँ पर, ना कि सेंटर का। सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन वर्क करता है, वो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन, इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके इलेक्शन कराने के, ये काम करता है यहाँ पर सेंटर का इलेक्शन कमीशन। स्टेट में जब बात आती है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज की, तो यहाँ पर इसके लिए अलग से इलेक्शन कमीशन का गठन करने की बात की गई थी, ओके।
और सबसे बड़ी लड़ाई है यहाँ पर पावर एंड फंक्शन की, इसी के ऊपर सारी लड़ाई रहती है यहाँ पर। स्टेट गवर्नमेंट वो चाहती नहीं है कि नीचे उसको कोई पावर दे दी जाए। देखिए कोई इंसान नहीं चाहेगा कि अपने हाथों से पावर छोड़ी जाए, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो वो क्यों चाहेगा कि ग्राउंड लेवल पर वो पावर को ट्रांसफर करे, तो कोई इंसान नहीं चाहता है। तो इसलिए भी आप लोग थोड़ा इसको समझ सकते हैं, पावर और फंक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। कोई नहीं चाहता है कि पावर जो है नीचे ट्रांसफर की जाए, तो इसलिए पावर और फंक्शन अपने पास में रखना चाहते हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। फाइनेंस की यहाँ पर बात की जाती है, फाइनेंस के ऊपर हम लोगों ने लड़ाई देखी वहां पर, पंचायत में भी वहां पर फाइनेंस के लिए लड़ाई चल रही थी, क्योंकि पैसा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो उनकी मीटिंग हो पाती है और ना ही वो प्रॉपर वे में वर्क पाते हैं कर पाते हैं। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज की, तो आप लोगों को कई तरीके के यहाँ पर रिवेन्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से नॉर्मली आप लोग देखते हैं टोल टैक्स वगैरह जो दिया जाता है, ठीक है, वो भी आप लोग देखते हैं। वैसे भी कई तरीके की यहाँ पर इनके इनको पावर दे दी जाती है, जिससे कि टैक्स इकट्ठा किया जा सके। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी अर्बन वाले एरिया में आती है फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात, तो फिर वो यहाँ पर ड्यूटीज इनकी रहती है म्युनिसिपैलिटीज की। तो थोड़ा सा फंक्शन तभी ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे अगर इनके पास में पैसा होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो किस तरीके से फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो वही आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि भूखे पेट भगवान का भजन नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर किसी के पास में खाने भर का फायदा, खाने भर का खाना भी नहीं है किसी के पास में, तो क्या भगवान को याद करेगा? वो रोटी को याद करेगा ना इंसान सीधा। पीने के लिए बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है तो पानी को याद करेगा इंसान। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर जब फंक्शन तभी कर पाएंगे जब इनके पास में कुछ मनी होगी, तभी एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी डेवलप कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा ग्रांट दिया जाता है स्टेट के द्वारा, और यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब पैसे की बात आ जाती है तो फिर ऑडिट करने वाला भी चाहिए, तो फिर पैसे का यहाँ पर ऑडिट भी होता हुआ नजर आता है कि कहीं से भी उस पैसे का गलत यूज न हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑडिट सिस्टम भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये सारे जो प्रोविजन मैंने आप लोगों को बताए हैं, यूनियन टेरिटरी में जब बातें चली जाती हैं तो सारे प्रोविजन की पावर किसके हाथ में हो जाती है? प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जब बात पहुंच जाती है, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ पर सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है, ये सारे फंक्शन आप लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर इस तरीके काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, ओके। इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्टेड एरिया है यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया था, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, तो ये कुछ ऐसे एरिया जो यहाँ से इससे एग्जेम्प्ट किए जाते हैं, जो कि आदिवासी वाले एरिया हैं। यहाँ पर उनको अलग तरीके से उनका रहन सहन होता है, अलग तरीके से उनकी कल्चर होती है, तो यहाँ पर कोई दूसरा एरिया आकर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब दूसरी गवर्नमेंट आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, एक तरीके से सब चीजें उनकी अलग होती है कंप्लीटली। वो हम जैसी सोसाइटी में नहीं रहते हैं और हम जैसी सोसाइटी से वो कनेक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो खुद ही अपने एरिया में अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करके चलते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये नेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था लेके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, इधर से यहाँ पर रूरल एरिया से जा रहा है और इधर से यहाँ से अर्बन एरिया से जा रहा है। जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर मिलता है आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आप लोगों को दोनों तरफ से मेंबर देखने को मिलेंगे, रूरल एरिया से भी और अर्बन एरिया से भी। तो इसलिए यहाँ पर जो प्लान किया जाएगा वो प्लान प्रिपेयर किया जाएगा दोनों एरिया के लिए, और 4/5 मेंबर यहाँ पर दोनों एरिया से निकल कर आएंगे, ठीक है। तो ये मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो प्लान करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, किस तरीके से प्लान बनाना है और किस तरीके से उसको ग्राउंड लेवल पर ले जाकर इंप्लीमेंट करना है। तो जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की बात आती है, यहाँ पर दोनों तरफ से मेंबर दिखते हैं और फिर यहाँ पर एक कंबाइंड प्लान बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पर आप लोगों को ये 4/5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि पंचायत से और म्युनिसिपैलिटी से निकल कर आएंगे, बचे हुए 1/5 जो है वो अलग तरीके से यहाँ पर इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये कहां पर देखने को मिलेगा? हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा एरिया होगा यहाँ पर, लार्जर पॉपुलेशन होगी, काफी अच्छा अर्बन एरिया होगा यहाँ पर, आप लोगों को ये वाली यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो यहाँ पर ये वर्क करेंगी, यहाँ पर ये प्लान बनाएंगी और उस प्लान को यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन इनके द्वारा किया जाएगा। मेंबर आप लोगों को यहाँ पर इलेक्टेड होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी सिटीज किस तरीके से चलती है, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यहाँ पर कई तरीके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड में ब्रॉड एरिया रखना है एज कम्पेयर टू जैसे हम लोगों ने पंचायत में पढ़ा था।
तो एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, बाकी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है आप लोगों के लिए, किस तरीके कौन कौन से यहाँ पर आर्टिकल होते हैं, कहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से कौन कौन सा एरिया, जिस तरीके से मैंने कैंट बताया था और तीन मिनिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताया था ना कि तीन मिनिस्ट्री अलग अलग एरिया कवर करती है, तो कौन कौन सा एरिया यहाँ पर किस किसके द्वारा कैसे कैसे कवर किया जाता है, इस तरीके से आप लोग काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट लेक्चर भी लगभग मुझे लग रहा है 30 मिनट का जाने वाला है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो काफी अच्छा खासा लेक्चर नेक्स्ट वाला भी होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा, उसको भी अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सके। दो लेक्चर आप लोग पंचायत के हो जाएंगे और दो लेक्चर म्युनिसिपैलिटी के हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप लोगों का अच्छे से पोर्शन कवर हो जाएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छोड़ पाए। तो ये हम लोगों ने देखा आज म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये किया गया 1992 में, और यहां पर तीन मिनिस्ट्री देखने को मिली, मिनिस्ट्री ऑफ देखने को मिली, अर्बन डेवलपमेंट, डिफेंस एंड द होम अफेयर। नेक्स्ट आप लोगों को हिस्टोरिकल चीज देखने को मिली, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो मिनिस्ट्री सेटअप की गई थी मद्रास, फिर बॉम्बे और कलकत्ता, इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि जिसके पितामह थे यहाँ पर लॉर्ड रिपन, ये सब हम लोगों ने देखे। डायर चीज देखा हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा हम लोगों ने, इसके बाद में आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जाने, यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको अप्लाई किया है, राजीव गांधी जी ने किया इसके द्वारा, यूपी सिंह के बाद देखने को मिला, और फिर कामयाब हुए थे नरसिम्हा राव जी, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जाना, किस पार्ट में रखा गया है, आर्टिकल कौन कौन से है, अगले आने वाले चैप्टर में आप लोगों को ढंग से लेक्चर में मैं आर्टिकल भी सारे बताऊंगा, कौन कौन से फंक्शन है, और हाँ ये सारे फंक्शन 18 आइटम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन से आइटम है और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखने को मिलेगी। तीन लेवल पे हम लोगों ने देखा, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो तीनों आप लोग यहां पर याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला क्या क्या कंपोजिशन है, वो सब कंपोजिशन हम लोगों ने देखी, वार्ड कमेटी, रिजर्वेशन सीट, म्युनिसिपैलिटीज में ड्यूरेशन क्या रहती है, इसके अलावा आप लोगों को जानने को मिला डिस्क्वालीफाई किस तरीके से किया जाता है, किसके द्वारा इलेक्शन कराए जाते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, फाइनेंस कहाँ से आता है, ऑडिट कौन करता है, को यूनियन टेरिटरी पे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्जेम्प्ट एरिया शेड्यूल 5 और 6 एग्जेम्प्ट है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन। तो ये हमारा था आज का पूरा लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीजों को शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक वगैरह पे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, काफी कुछ यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है और लेक्चर भी यहाँ पर सारे डालता हूं मैं, जिसके द्वारा आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है यहाँ पर, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो चीजों को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन ही पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।